भी कई बार इसका विरोध होता रहा है, लेकिन अफसोस है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसमें कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही। जब मैं विधायक था उस समय भी मैंने विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड क्वेश्चन किया था और इस बारे में मांग की थी मैंने कि जो भी शख्स इस टाइप की घटना को अंजाम देता है, कोई हमारे अल्लाह या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान शरीफ या उसकी कोई बिरहमती की कोई बात करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और मैं आज फिर एक घटिया आदमी यति नरसिंहानंद उस इंसान का नाम भी मजबूरन में मैं ले रहा हूँ कि जिसकी की कोई हैसियत नहीं, दो दो कौड़ी के लोग आज बेहरमती कर रहे हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस देश के नागरिक नहीं, हम इस देश के मालिक भी हैं और हम इस मुल्क के अंदर हम चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे। और हमारा मजहब इस्लाम भी ये सबक देता है कि आप किसी दूसरे मजहब की भी, अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरा मजहब मुझे ये हुक्म देता है कि दूसरे किसी धर्म के खिलाफ या उनके किसी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कोई बात नहीं कहे, ना उनका कोई अपमान करे। मेरा मजहब सिर्फ ये नहीं सिखाता कि सिर्फ हम अपने मजहब का सम्मान करें, हमारा मजहब ये भी सिखाता है कि हम दूसरों के मजहब का भी सम्मान करें। लेकिन चंद लोग जो आए दिन इन चीजों को अंजाम दे रहे हैं, जो आए दिन एक प्रचलन बना लिया है और एक मजाक सा रह गया है चल करके, मेरी मांग है कि केंद्र सरकार से, मैंने प्रदेश में भी मांग की थी कि इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए और मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं और इंशाल्लाह जब पार्लियामेंट चलेगी तो इस मसले को मैं मजबूती के साथ मैं पार्लियामेंट के अंदर रखने का काम करूंगा कि इसमें एक कानून बनना चाहिए और वो कानून ये हो कि जो आदमी ऐसी शर्मसार हरकत करे, अगर कोई घटिया हरकत करता है, इस टाइप की कोई टिप्पणी करता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे कम सजा हमें बर्दाश्त नहीं है। जब हम खुद कह रहे हैं हम दूसरों के अगर मजहब के बारे में कोई अपमान नहीं करना चाहते, हम उनका भी सम्मान करते हैं, तो हम ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस मुल्क के अंदर हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए सभी लोगों का इसमें रोल रहा है, तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर हमारे कुरान शरीफ की शान में कोई गुस्ताखी करे, बेहुर्मती करे। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि भले ही सरकार बीजेपी आरएसएस की है, लेकिन वो अपनी इस हालत चीज को देखते हुए अगर वाकई में वो सबका सम्मान और सबका साथ सबके विकास की बात करती है तो इस सिलसिले में कड़ा कदम उठाए और इस सिलसिले में एक नया कानून बनाए जो इस टाइप की हरकत करे उनके खिलाफ कोई, हम ये नहीं कहते सिर्फ मुकदमा लिखने से काम चल जाएगा, बल्कि इनके खिलाफ जो है सख्त सख्त सजा, सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। सांसद जी, क्या वजह है जो इस तरह के बयान कुछ लोग दे रहे हैं, क्या मानते हैं उसको लेकर के, क्या रिजल्ट? मुसलमान कहीं कोई आवाज उठाता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो। कानून सबके लिए है, इस कानून की चक्की में सब लोग पिसेंगे। अगर कोई गलत मुसलमान करता है उसके साथ भी व्यवहार होना चाहिए, अगर हिंदू समाज का करता है तो उसके खिलाफ भी वही इस कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन इस टाइप की जो होना है, हम तो ये कहेंगे कहीं ना कहीं इशारा इनको, इन लोगों को मिला हुआ है ऊपर से, जो आए दिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस चीज को अंजाम देते हैं। राजनीति में पक्ष और विपक्ष होता है, राजनीति होनी चाहिए और इस हद तक होनी चाहिए कि आप एक दूसरे के ऊपर उसको सही से और जनता की खदमत कर सकें, इस तरफ उसका ध्यान आकर्षित करें, उसकी कमियां गिनाएं अगर वो जनता का ख्याल नहीं पाए। लेकिन इस टाइप की भद्दी राजनीति, घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए जिससे कि धर्म के ऊपर कोई इस टाइप की टिप्पणी की जाए। मैं तो ये कहता हूँ किसी भी धर्म के खिलाफ कोई इस टाइप की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और खास तौर से मजहब इस्लाम में जो बार बार हमारे आका के खिलाफ, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी, शान में गुस्ताखी की जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। और यकीनन मैं सांसद हूँ, लेकिन सांसद होने के साथ साथ मुसलमान हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबके धर्मों का सम्मान करूँ। लेकिन मैं मुसलमान होने के नाते मैं मांग करता हूं कि हम इस चीज को, मैं ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सारी चीज हद में रहे, ये देश संविधान से और कानून से चले और इस टाइप की हरकतों करने के वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम कतई ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले। हम जिस व्यक्ति ने ये किया है हम उसे सजा हम नहीं देना चाहते, लेकिन हम ये उम्मीद जरूर करते हैं कि हमारी इस देश की सरकार और सरकार अगर इसमें इंसाफ हमें नहीं देगी तो हमें उम्मीद है कि इस देश का न्यायालय, सर्वोच्च,
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ना कोई कानून बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई कदम उठाएगा, जिससे कि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।